जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। महात्मा गांधी के ये विचार बताने के लिए काफी हैं कि वो किस तरह के भारत की सोच रखते थे। नमस्कार, भास्कर स्पेशल में आज हम बात करेंगे बापू के स्वच्छ भारत की। जी हाँ, बापू ने अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाई, लेकिन कई बेड़ियां ऐसी हैं जिनसे आजाद होना अभी बाकी है। भास्कर स्पेशल में आज हम बात करेंगे गंदगी और स्वच्छता के बीच बापू की संकल्पना की कि वो भारत कैसा चाहते थे, किस तरीके का चाहते थे। बापू एक मामले में यूरोपीय देशों की हमेशा तारीफ करते थे। बापू कहते थे कि पश्चिमी देशों ने सफाई के लिए जो सिस्टम विकसित किया है वैसा हमें भी करना चाहिए। शायद आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम वैसा सिस्टम नहीं बना पाए। बापू एक ऐसा ही भारत चाहते थे, स्वच्छ भारत, अंदर से भी बाहर से भी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां हैरान होंगी कि हाड़ मांस का एक ऐसा इंसान कभी इस धरती पर चला था। पीढ़ियों बाद आज महात्मा गांधी का नाम किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। दुबली पतली कद काठी वाले इस महापुरुष के पीछे आज भी विचारों का जन सैलाब खुद ब खुद चल पड़ता है। आजाद भारत की एक पूरी तस्वीर अगर किसी ने सबसे पहले खींची तो वो कोई और नहीं, बापू ही थे। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि मानव जाति की पूर्ण स्वतंत्रता का सपना बापू की आंखों में था। वो भारत को हर तरह की गुलामी से आजादी के हिमायती थे। अगर वो भारत के लिए साफ खुला आसमान चाहते थे तो धरती पर बसे शहरों और गांवों को स्वच्छ देखना चाहते थे। वो एक तरफ हमारी सुंदर सोच चाहते थे तो दूसरी ओर हमारी जीवन शैली भी। बापू आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बापू के विचार भारत के दिल में बसते हैं। बापू के सपने हमारे सपने हैं। उन्हीं सपनों में से एक सपना है स्वच्छ भारत का। बापू भारत को न केवल राजनीतिक गुलामी से आजाद कराना चाहते थे, बल्कि कई बेड़ियां ऐसी थी जिसमें जकड़े भारत को देख बापू का मन बेचैन हो उठता था। सफाई का विषय भी उन्हीं में से एक था। इस मामले में बापू यूरोपीय देशों की जमकर तारीफ भी करते थे। अगर बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो बापू के स्वच्छ भारत में गांवों और शहरों के लिए अलग अलग योजनाएं शामिल थीं। विचार और व्यवहार दोनों की पवित्रता, गांवों की सफाई, साफ सुथरी सड़कें, नदी तालाब की सफाई, हर शहर में नगर पालिका की व्यवस्था, पार्षदों का सफाई के प्रति समर्पण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, दूसरों को प्रेरित करना, कूड़े का प्रबंधन, कूड़े से खाद बनाना, ये सारी बातें बापू के सफाई अभियान में शामिल थीं। लेकिन बापू के स्वच्छ भारत की सोच सिर्फ साफ सफाई तक सीमित नहीं थी। दरअसल इसके पीछे एक सामाजिक संकल्पना भी थी, जिसके जरिए वो एक ओर साफ सुथरा देश चाहते थे तो वहीं दूसरी ओर एक सुंदर सामाजिक ताना बाना भी, जहां कोई ऊंच नीच न हो, जहां किसी को सफाई के काम के लिए नीचा न देखना पड़े। तो सवाल यह है कि क्या हम बापू का वो सपना पूरा कर पाए हैं? क्या हम बापू को उनका स्वच्छ भारत दे पाए हैं? जिसके लिए वो ताउम्र त्याग और तपस्या करते रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। साफ सफाई को लेकर बापू के विचार अपने समय में बेहद क्रांतिकारी थे। बापू के ये विचार उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर किसी चोट से कम नहीं थे, लेकिन इन आदर्शों को दूसरों को समझाना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल खुद पर लागू करना भी था। आश्रमों में कई बार बापू को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इससे पहले कि बापू अपने विचारों आदर्शों पर चलने के लिए दूसरों को प्रेरित करते, विरोध घर से ही शुरू हो गया। बापू की पत्नी बा ने ही शौचालय सफाई अभियान में आने से मना कर दिया। ये बात और है कि बापू के विचारों से बाद में सभी सहमत हो जाते थे, क्योंकि जो लोग उनसे प्रेम करते थे वो आखिर में उनका नेक मकसद भी समझ जाते थे। बापू स्वच्छता के अपने मिशन के जरिए भारत को उस समय की सामाजिक बेड़ियों से आजाद कराना चाहते थे, जिसमें एक जकड़न थी छुआछूत की। लेकिन ये काम आसान नहीं था। भारतीय समाज जिस तरह से बटा हुआ था, उसमें सभी को खुद सफाई की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी चुनौती थी। देश तैयार नहीं था और बापू के ये आदर्श अडिग थे, जिसकी कीमत वो व्यक्तिगत जीवन में भी चुकाते रहे। बापू, आपके आदर्शों का बोझ ढोते ढोते मेरा दम घुटने लगा है, मैं सांस लेना चाहता हूँ। बापू ने अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया है कि भारत के गांवों और शहरों में सफाई का जिम्मा सिर्फ एक वर्ग विशेष पर ही क्यों डाल दिया गया है। ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।